वैसे बड़े अफसोस की बात है। लेकिन भाई आप कौन? मैं शेरोज भाई। आप? वैसे कितनी शर्म की बात है, तुम्हारे घर तो राशन भिजवाया था, लेकिन ये फिर क्यों? वो आए तो थे मगर। मगर क्या, आए थे तो देखे क्यों नहीं गए? मैं अभी बात करता हूँ उससे। हाँ शेरोज। शाज़ेब, मैंने ये पूछना था कि अनवर के घर राशन क्यों नहीं दे के आए। हाँ यार, देने गया था मैं उनके घर, उनकी तो आंकड़े ही नहीं खत्म होती। अच्छा, तो ये बात है, चलो मैं देखता हूँ। ओके भाईजान, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। हमें पता चला था कि आप जरूरतमंद हैं, तो आपके लिए राशन लाए थे। नहीं नहीं भाईजान, हमें नहीं चाहिए, आप ना किसी और को दे दें। बड़ी बात है। चल भाई चल। लेकिन हमें तो राशन की जरूरत थी, फिर आपने क्यों मना कर दिया? वो तस्वीरें बना रहे थे, इस वजह से मैंने इनकार कर दिया उन्हें। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है। चलो तुम ये वहीं रख दो और तुम्हारे घर राशन पहुंच जाएगा, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने भाई को याद करना। अच्छा भाईजान, बहुत शुक्रिया। मेरे से वाकई में गलती हो गई है, और मैं इसको वापस रख देता हूँ वहाँ पे, और मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हमें गरीब लोगों का एहसास करना होगा, क्योंकि इन्हें हमारी जरूरत है, और आज शाज़ेब को भी समझाता हूँ। तस्वीरें बनाने का मौका तो अच्छा है, क्योंकि इन गरीबों को राशन की जरूरत है। चलो फिर मदद करें। मेरे मालिक, अब तू ही कोई वसीला बना दे, मेरे घर का चूल्हा जला दे। भाई साहब। जी भाई। भाई, ये मैं राशन तकसीम कर रहा था, आप मुझे जरूरतमंद लगे ये राशन आप रख लीजिए। बहुत शुक्रिया भाई। हैं, मोबाइल लगता है घर भूल आया हूँ। चलो अब कैमरा ले आता हूँ और इसे राशन दोबारा देता हूँ। भाई ये सामान गलत आ गया, आपको ज्यादा देना था, ये आप मुझे दे, मैं आपको और ला के देता हूँ। ठीक है भाई। शेरोज, तुम खैर से? खैर ही तो नहीं है, उस दिन भी मैंने तुम्हें समझाया था कि हम अल्लाह की रजा के लिए मदद कर रहे हैं, ना कि दिखावे के लिए। फिर पता नहीं कैमरे उठा के तुम क्या साबित करना चाहते हो। लेकिन यार, मैं तो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था कि लोगों में जज्बा पैदा हो, वो भी लोगों की मदद करें। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम ये भी सोचो कि उन गरीब लोगों के दिल पे क्या गुजरती होगी, और सिर्फ तुम्हारी इस हरकत की वजह से उन्होंने राशन लेने से मना कर दिया। और कुछ पल के लिए ये भी तसव्वुर करके देखो कि तुम्हारी हरकत की वजह से अगर उनके बच्चे भूख से मर गए, तो कल को तुम खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? हाँ यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मैंने तो जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जाओ अपनी गलती को सुधारो और उनकी मदद ऐसे करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। हर इंसान को ऐसा ही शऊर दे ताकि वो हमारी इज्जतों का ख्याल कर सके। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और इस पार्ट के बनाने का मकसद यही था कि आपकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया और आप चाहते थे कि पार्ट 3 भी आए। और अगर इस वीडियो पे भी आपकी तरफ से रिस्पांस पॉजिटिव रहता है और आप चाहते हैं कि पार्ट 4 भी आए तो हम ज़रूर बनाएंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि स्टोरी आपकी तरफ से होगी और स्टोरी आप इंस्टाग्राम पे आके हमें देंगे और आपको एंड में उस वीडियो के एंड में आपको क्रेडिट्स भी दिया जाएंगे और अगर आपका चैनल है तो आपको शाउट आउट भी मिलेगा। इसलिए करके जल्दी से आएँ और अपनी स्टोरी पेश करें पार्ट 4 के लिए और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर फीडबैक दिया करें, क्योंकि हम आपका तमाम जो आपकी तरफ से कमेंट्स होते हैं उन्हें रीड करते हैं और रिस्पॉन्स भी देते हैं, और अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिलता तो वो भी कमेंट रीड किया जाता है। तो इसी के साथ हम चाहेंगे इजाज़त, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।